नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। जिला चिकित्सालय में रखी गई वर्ल्ड एंटीबायोटिक एवरेशन वीक 18 से 24 नवंबर 2020 का कार्यक्रम समापन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल डॉक्टर अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अवधेश सोनी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश शर्मा आदि सभागार मीटिंग में उपस्थित हुए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश शर्मा ने कहा है, WHO के द्वारा प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के लिए सभी लोग जागरूक हों और ऐसे चिकित्सक के लिखे हुए पर्चे पर ही एंटीबायोटिक दवा का सेवन करें जो कि डॉक्टर मेडिकल रजिस्टर हो। जिला अस्पताल में हर व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला अस्पताल में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है, ऐसे कर्मचारी अथवा आम व्यक्ति की रोटरी क्लब के द्वारा 100 रूपये की शुल्क भरना पड़ेगी। साथ ही मेडिकल से जुड़े हुए जिला अस्पताल से लेकर जिले में खुली हुई प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर आदि स्थानों पर एंटीबायोटिक टेबलेट लिखने अथवा बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है। ऐसे में जो भी डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे मेडिकल स्टोर पर भी कार्यवाही होगी जो कि बिना अधिकृत डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवा देंगे। COVID-19 के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सभी को मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जन को जागरूक किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। जिले के अंदर अगर हम बात करें तो कई जगह पर अभी भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको एंटीवायरस के बारे में पता नहीं, इस टेबलेट के बारे में पता नहीं, और लोग अक्सर बुखार में ही कई ऐसी दवाइयां दे देते हैं लोगों को, जिससे कि अन्य और बीमारी बढ़ जाती है। इस पर क्या अभियान चलाएगा जिला? इस पर जो है हम डॉक्टर्स को जो हमारे पेरीफरी में चिकित्सक हैं, आज 3 बजे भी हम उनको जूम के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग लगातार हम जारी रखेंगे। इसके साथ जो भी चिकित्सक हमारे काम कर रहे हैं जिले के अंदर, उनके प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट वो हम शुरुआत कर रहे हैं। NQS के अंतर्गत जिला अस्पताल में व्यवस्था लागू है। पेरीफरी के चिकित्सकों में भी कुछ हम चिकित्सकों को अभी कुछ अस्पतालों को चिन्हित कर रहे हैं NQS के लिए, जैसे सिविल अस्पताल लाहौर है, फूप है और गोरमी है। 3 अस्पतालों को अभी हमने चिन्हित किया और गोवत को जो 4 अस्पताल अभी हमने लिए हैं, तो उनके जो चिकित्सक वहाँ काम कर रहे हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन जो लिखे जा रहे हैं उनकी ऑडिट की जाएगी। इसके साथ ही जो है उनसे फीडबैक लिया जाएगा, पेशेंट वो जो है कोई ट्रीटमेंट गलत तो नहीं दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में जो है जैसे जिला अस्पताल हैं, यहाँ आउटसोर्स के माध्यम से अभी लैब चालू हुई है मध्य प्रदेश शासन की सहायता से, उसमें हम कल्चर की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। तो जो भी पेशेंट हमारे एडमिट रहेंगे, जो 5 दिन से ज़्यादा एडमिट रहते हैं, 3 दिन के बाद हम उनका कल्चर कराएंगे। करीब 48 से 72 घंटे में रिपोर्ट आती है और उसमें जो ड्रग आएगा कल्चर में, सेंसिटिविटी में जो ड्रग आएगा, उसको हम जो है सख्ती से लागू करवाएंगे जिससे ये रेजिस्टेंस जिले के अंदर लागू ना हो पाए। इसे जहाँ भिंड शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ जिले स्तर पे और जिले में बात है, ये शहर में एक COVID-19 के तहत जो महामारी फैल रही है, इस महामारी से लोग अभी भी कम जागरूक देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मास्क लगाने की अपील भी जिला प्रशासन ने की, लेकिन जिला अस्पताल के अंदर समस्त स्टाफ में कई लोग मास्क लगाते हुए नहीं देखे जा रहे, इस विषय पर क्या कहते हैं? अभी हम जो है इसके लिए कल हमको जिलाधीश महोदय ने भी निर्देश दिया है, हम जिला अस्पताल और जिले के अंदर जितने भी विभाग हैं वहाँ सब जगह हम रेड क्रॉस की जो है रसीदें कटवाने के लिए कर्मचारियों को बाध्य कर रहे हैं, और हम उसके लिए एक नोडल बनाएंगे। जो लोग भी मास्क लगा कर नहीं आएंगे उनको एंट्री नहीं दी जाएगी और उनसे एक पनिशमेंट के रूप में हम जो है रेड क्रॉस की रसीद भी काटना शुरू कर रहे हैं। उसमें मिनिमम 100 रुपये शुल्क रखें।